वेलकम टू माई चैनल और अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आप देख के समझ गए होंगे मैं घर पे नहीं हूँ, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ आज के दिन। और मेरा फुल प्लान था कि फैसल मूवर से ही ट्रैवल करना है, मगर थोड़ा सा इशू ये हुआ कि हमें 5 मिनट्स लेट हो गई, जिसकी वजह से बस जो है वो निकल चुकी थी और नेक्स्ट बस जो है, जो नेक्स्ट रूट था वो तकरीबन 1 आवर के बाद आना था। तो कौन इतनी देर वेट करता। तो हमने सोचा चलो हम राजपूत से ही ट्रैवल कर लेते हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा राजपूत ट्रैवल्स की कोई अच्छी बस मिली, वरना मुझे ज़रा उम्मीद नहीं थी। मेरा मूड जो है सारा स्पॉइल हो चुका था। फैसल मूवर पर जब ट्रैवल करते हैं तो वो आपको हैंड फ्री देते हैं ताकि आप मूवी वॉच कर सकें, मगर राजपूत पे ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा मे भी अब दे दें, और ऐसे करते करते पूरा सफ़र गुजर गया, लेकिन उन्होंने मुझे हैंड फ्री बिल्कुल नहीं दिए। मैंने अपने ही हैंड फ्री जो थे वो यूज़ किए। तो बस सफ़र हुआ ख़त्म और हम आने लगे तो घर। तो हमने सोचा चलो हम वेजिटेबल्स ले लेते हैं। तो हमने क्या ली, हमने लेडीज़ फिंगर ली और बस यही ली थी, जो कि ऑनियन भी घर पे पड़े थे। टोमेटोज़ लिए थे हमने, जो कि टोमेटोज़ घर पे नहीं थे, तो वो सब लिए हमने। हमने भिंडियाँ काट ली थी, भिंडियाँ काटने के बाद जो है हमने ऑनियंस भी कट कर लिए हैं, टोमेटो भी कट कर लिए हैं, और ग्रीन चिल्ली मुझे समझ नहीं आ रही क्यों हमने इतनी ज़्यादा कट की है, मगर कट कर ली है। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ग्रीन चिल्ली ना खाया करें। और पता नहीं क्यों मुझे कह दिया गया था ये कट कर दो, इसलिए मैंने कट कर दी। और ऐसे ही होता है, कभी कभार कोई काम दिया जाता है तो हम कर लेते हैं, लेकिन हम बाद में सोचते हैं कि भाई ऐसा काम क्यों हमें दिया गया है। देख रहे हैं हमने ये आधी आधी भिंडी डालनी है, आधी भिंडी यहाँ फ्राई होके हमने रख दी है और ये अब डाल रहे हैं और हम इसे अच्छे से कर रहे हैं तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, हम इसे अच्छे से करेंगे फ्राई। लोग इस तरह डाल रहे हैं ऑनियन जो हमने भी कट किया था। करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। और आप देख रहे हैं हमने ऑयल कितना कम ऐड किया हुआ है, क्योंकि वेजिटेबल में ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं होता, कम से कम ऑयल ऐड करते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने ये थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है कि ऑनियन जो है वो पानी नहीं छोड़ता और अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। हमने ग्रीन चिल्ली और गार्लिक जो है वो ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद हम इसे अब करेंगे मिक्स। तो बस इसमें टमाटो ऐड किया, टमाटो ऐड करने के बाद जो है गरम मसाला ऐड किया, इसके अंदर नमक ऐड किया, थोड़ी सी रेड चिल्ली ऐड की। बेसिकली ग्रीन चिल्ली इसलिए ज़्यादा डाली गई थी ताकि रेड चिल्ली का यूज़ जो है वो कम किया जाए, जो कि आपको पता है ग्रीन चिल्ली ज़्यादा बेनिफिट है बनिस्बत रेड चिल्ली के। तो बस फिर इसको ऐड किया, अच्छे से भून लिया, और अच्छे से भूनने के बाद जो है सारी भिंडियाँ जो है इसके अंदर ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद तकरीबन ये मैं जो है उस टाइम क्लिप लेना बिल्कुल भूल गई थी, शाम को जब खाना खाने लगी तब मैंने जो है दिखाऊं कि भिंडी ऐसे बनी है। और बस रात का टाइम हो गया था और हम बाहर चले गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। बस यही था मेरा आज का ब्लॉग, और मेरा कल का ब्लॉग भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।